पुलिसकर्मियों को नाश्ते के रूप में स्वल्पाहार वितरित किया गया। नगर के सर्राफा व्यवसायियों ने भी अब समाज सेवा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सर्राफा व्यवसायी रामबाबू वर्मा, शिवांशु गुप्ता और गोविंद वर्मा ने महामारी के संकट में तपती धूप में आम जनमानस की सुरक्षा कर रहे पुलिसकर्मियों को स्वल्पाहार वितरित किए जाने का संकल्प लिया और बुधवार के दिन सर्राफा व्यवसायियों ने सड़कों पर निकलकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट और रियल जूस वितरित किया है। बड़े चौराहे से लेकर ईसन नदी पुल, भामत चौराहा, करैल चौराहा, सभी जगह तैनात पुलिसकर्मियों को सर्राफा व्यवसायियों की ओर से स्वल्पाहार वितरित किया गया। मैनपुरी इकाई द्वारा सोचा गया कि कोरोना योद्धा ये 24 घंटे बेचारे लगे, रात दिन लगे हम लोगों के लिए, तो हम लोगों के मन में विचार आया कि इनके लिए भी कुछ किया जाए, तो एक एक मिनरल वाटर की बोतल और रियल जूस एक एक और एक एक चिप्स जितने ड्यूटी पे लोग लगे हुए हैं सभी को हम लोग वितरित करके कुछ सभी चौकियों में। चौकियों के अलावा और कहाँ कहाँ जाएंगे? जहाँ जहाँ ड्यूटी पे लोग हैं वहाँ वहाँ जाके जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी है सभी को वितरित करता है। इस समय जो हम लोगों के ऊपर जो आफत आई है कोरोना रूपी, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत ये पुलिस वाले, स्वास्थ्य कर्मी और ये भी सभी लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, इनको पानी की दिक्कत होती है, जूस की दिक्कत होती है, बेचारे धूप में लगे रहते हैं, तो हम लोगों ने सोचा ये सभी रोडों जो भी हम लोग लगभग 3-4 किलोमीटर भी घूम चुके हैं और पूरे नगर में भ्रमण करते हुए आश्रम रोड, दीवानी रोड, सभी जगह जहाँ जहाँ ड्यूटी लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, जो भी हमें रोड पर मिलेगा और जो ड्यूटी कर रहा होगा उसको हम लोग ये पेय पदार्थ उपलब्ध कराएंगे। आपने ये शानदार पहल की शुरुआत की है, कब तक ये पहल जारी रहेगी आपकी? सर, जब तक हम लोग ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे निरंतर इसको आगे भी जारी रखने की।